दिनांक 26 जनवरी 2009 को देवलाली में 6 नाला प्रवचन क्रमांक 6 सुनिए। श्री ओम नमः शिवाय, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। किन को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काया को नामाय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ईसो काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाह तू है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाह तू है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। छेड़ाला अध्यात्म ग्रंथ है, पंडित प्रवर दौलत राम जी की अद्भुत रचना है। इसमें पहली ढाल की ही चर्चा अभी चल रही है। मनुष्य गति संबंधी दुखों का वर्णन दो छंदों में किया है। इसके पहले चार छंदों में नरक गति के दुखों का वर्णन किया है। ये सब संयोग की अपेक्षा कथन है। दुख तो वास्तव में मिथ्यात्व और कषाय का है। संयोग कैसा भी होवे, प्रतिकूल संयोग वाला भी दुखी है और अनुकूल संयोग वाला भी दुखी है। संयोग पर जिसका लक्ष्य है वो सब जीव दुखी ही दुखी है। संयोग के आश्रय से सुख कभी हो सकता नहीं और स्वभाव के आश्रय से दुख कभी हो सकता नहीं। दोनों तरफ से बात है। तो अपन 14वें छंद से चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 12 पर है। 13वां रह गया था। अच्छा अच्छा, चलो 13वें से प्रारंभ करते हैं। भूख का वर्णन है। तीन लोक को नाज जो खाए मिटे न भूख कणान लहाए। ये दुख बहु सागर लो सहे कर्म जोग ते नर गति लहे। प्यास का वर्णन किया था ना कल बार में छंद में। पूरा समुद्र का पानी पी जाए तो भी तृप्ति न होवे, लेकिन मिलने वाला तो एक बूंद भी नहीं। कल इसका बताया था, जैसे पानी बचा के रखते हैं, पड़ोसी हमारा पानी नहीं ले ले हैं। पुराने जमाने में बड़े बड़े ठाकुर जमींदार लोग गरीबों को आने नहीं देवे कुएं पर। निम्न जाति वाले हैं उनको कुएं पर आने का अधिकार नहीं। ऐसा संयोग मिलता है उसके। मैं तो कहता हूँ जो पानी का मिसयूज करते हैं ना उनको भी ये संयोग मिलता है। हाँ, वो तो अनेक प्रकार के दुख तो देते ही है नारकी एक दूसरे को। तो यहाँ तो प्यास कितनी लगती है उसका वर्णन है। समझ में आया? ऐसे भूख का, गरीब लोग मर रहे हैं भूख के मारे, अकाल पड़ गया है। सेठ जी लेकिन रखे हुए हैं अनाज, भाव और बढ़ेगा तब बेचेंगे। समझ में आया? बोलो। दूसरों को भूख से तड़पता हुआ देखने में जिसको आनंद आता है, उसमें जो अपनी कसाई की पूर्ति करता है लोभ कसाई की मान कसाई की, तो उसको ऐसा संयोग मिले इसमें क्या आश्चर्य है। अनाज देवे नहीं, दबा करके रख ले वे। नौकर अपने घर में हो गए तो भी दो रोटी देवे तो दिन भर तो खाता रहता है, काम कुछ नहीं करता। कितनी क्रूरता परिणामों में।
एक बात समझना कि कोई भी प्रकार की कसाय है ना, अपने तो वो कसाय का स्वरूप जानना है। अब वो अनंतानबंदी लेवल की है कि अप्रत्याख्यानी लेवल की है वो अलग बात है। लेकिन अन्याय और अनीति तो नहीं होती ना सम्यक दृष्टि को। जैसा अपने पेट है, अपने को भूख लगती है, तो अपने दास दासियों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति भी सहज करुणा भाव होता है, उन्हें भी पर्याप्त दिया जा रहा है खाना भरण पोषण। वो गीत गाएंगे वो, और दूनी लगन से और मेहनत से काम करेंगे, है भूखा पेट वाला क्या काम करेगा। लेकिन दूसरे की भूख जिसको बर्दाश्त होती है, अपनी नहीं होती है, दूसरे की भूख की परवाह नहीं करे, उसको तीन लोक का अनाज जो खाए मिटे न भूख कड़ा न लहाए, समझ में आया, एक कण भी मिले नहीं, ऐसी भयंकर भूख चुदा वेदना। बोलो कमल जी, ऐसा हो सकता? सच में ऐसा होता है क्या? है भगवान ने अपने ज्ञान में देखा है और तर्क से अनुमान से ये बात सिद्ध होती है। कुदरत में ऐसी व्यवस्था है ना, जैसे परिणाम करेगा वैसा फल तो मिलता ही है ना। अभी बहुत से राजा महाराजा जमींदार सम्राट ये मुस्लिम शासक वगैरह हुए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में, दूसरों को दुखी करने में बड़ा आनंद आ रहे हैं, समझाया। देखा मैंने अखबारों में पढ़ते हैं वो, जहाँ पेट्रोल बहुत है ना अरब कंट्रीज वगैरह में, खूब पैसा है, खूब पैसा है। लोग बताते हैं उनके यहाँ के जो नलों के जो पाइप है ना वो भी सोने के है, इतना पैसा है, कहाँ लगा रहे उसको। प्रॉब्लम यहाँ से छोटे छोटे बच्चों को ले जा रहे चोरी करवा के, फिर उसको ऊंट से बांधे, ऊंट दौड़े, वो बच्चा चिल्लाए तो ऊंट और दौड़े, उसकी रेस लगे कि किसका ऊंट कौन से नंबर पे आता है, तो ऊंट की रेस जीतने के लिए बच्चे को बांध देते हैं, वो फिर शेख साहब को मजा आती। ऐसे क्रूर परिणाम, गजब बात है, मनुष्यता कहाँ रही आजकल। अभी तो कितना आता है उसका, तालिबान का बहुत चलता है कि, और हिंदुस्तान में भी बताया, लड़कियां जो हैं वो हंसे नहीं, बाहर नहीं निकले, स्कूल में नहीं जाए, कोई भी आदमी रेडियो नहीं सुन सकता, ऐसे ऐसे के चारित्र, ऐसे अनुशासन और कोड़े से आता है क्या? बात तो सच्ची है, मैं जरा निष्पक्षता से विचार करता हूं। तो अंदर से राग टूटे इसका प्रयत्न करना चाहिए ना, उसको अध्यात्म बताओ, चैतन्य क्यों नहीं सुनना। उस इस्लाम में लिखा है उससे पाप होता है, तो पाप क्यों? पाप होता है तो उसको छोड़ने का उपाय क्या है? एक पाप छुड़ाने के लिए दूसरा पाप करना। पापियों को अगर मौत देने का ही विधान हो गए, सब पापियों को मार देना चाहिए, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि संसार में किसी को बचने ही नहीं चाहिए है। पांच इंद्रिय के विषय भोगों का परिणाम ये तो भूमिका में आता ही आता है भैया, उसको कोड़े मार करके के उसको दहशत के बल पर कैसे आप रोक सकते हैं, वो उचित मार्ग नहीं है। पापों से बचाने का ये उचित मार्ग नहीं है कि जो पाप करेगा उसे मार दिया जाएगा, है और घोर पाप हो गए। प्रसाद सिद्धू पाए में बहुत सुंदर तर्क है इस मामले में, उसमें ऐसा लिखा है जैसे एक शेर है तो वो 100 जानवरों को खाता है, तो अगर उस शेर को मार दिया जावे तो 100 जानवर बच जाएंगे, ऐसा तर्क है। तो उसका उत्तर आचार्य देव ने दिया है कि तुम कितने शेर मारोगे, उनका हम 20 शेर मारेंगे, तो तुम्हें मार दिया जा रहा है तो 20 शेर भी बच जाएंगे। तो ये मंजूर है, ये विधि का विधान ये मंजूर है। अरे भैया, सब जीवों को अपने अपने परिणामों का फल मिलता है, पुण्य का फल भी मिलता है, पाप का फल भी मिलता है, तुम क्यों ठेकेदार बनते हो जगत का? लेकिन उसके पास ताकत है, उसके पास हिंसा की ताकत है, इसलिए वो सब अपना ऐसा जंगल राज चलाना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो। दो में चॉइस है, तुम जैसी तुम्हारी, हाँ जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मारेंगे। गजब हो गया परिणाम। अरे भगवान, ऐसे जीव नरक में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे यार, हैं।
ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नरगति लहे। देखो अनबयार्थ में उन नरकों में इतनी भूख लगती है कि तीनों लोक का अनाज खा जाए तथापि क्षुधा शांत न हो, परंतु खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता है। ऐसे दुख अनेक सागरोपम काल तक सहन करता है जीव। अब ये अपना भूतकाल का याद करने की कोशिश करो, कल्पना करो कि हम मान लो नरक गति में थे और ऐसी भूख प्यास अनंत बार सहन की है, अब बड़े कर्म जोग तो नरगति लहे लिखा ना, हो सकता है अपन वहीं से आए हुए हैं। और ये सा जैन कुल मिल गया, ऐसा वीतराग देव का जैन शासन मिल गया, तो अभी क्या कर्तव्य है ये विचार करने लायक। भावार्थ, उन नरकों में इतनी भूख लगती है तीव्र कि यदि मिल जाए तो तीनों लोक का अनाज एक साथ खा जाए। परमण मधु आश्चर्य होता है भाई कि वैक्रिक शरीर देवों का और वैक्रिक शरीर नारकियों का, वैक्रिक शरीर के परमाणुओं से बनता है, समझ में आया ना, उसके परमाणु ही अलग जाति के होते हैं, लेकिन जिसके पुण्य का उदय है उसको वही वैक्रिक शरीर में हजारों वर्ष तक भूख नहीं लगती। देवों को हजारों वर्ष तक, समझ लो बताया था ना 33 सागर की आयु हो तो 33,000 वर्ष में एक बार कंठ में से अमृत झरता। सौधर्म स्वर्ग में 2 सागर की उत्कृष्ट आयु है तो 2,000 वर्ष बाद उसके कंठ में से अमृत झरेगा। 2,000 वर्ष में इच्छा होगी कि यार बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है तो कुछ भूख जैसी लग रही है, जरा सी इच्छा हुई और रस ग्रंथि बन जाती, हार्मोन्स ऐसे होते उनके, हाँ रस ग्रंथि बन जाती तो कंठ में से अमृत झरता है। खाना नहीं पकाना पड़ता है, कोई तुम्हारे इधर उधर जाना पड़े, होटल में जाना पड़ेगा, ये करना पड़े, ऐसा स्वर्ग में कोई उद्योग नहीं खुला है। तो वो वैक्रिक शरीर वालों को हजारों वर्ष तक भूख नहीं लगती और ये वैक्रिक शरीर वाले को निरंतर अति तीव्र क्षुधा लगती है, तो अभी खाने का इंतजाम नहीं, उसे खाने की जरूरत नहीं है, इसे खाने का इंतजाम नहीं है। एक को पाप का उदय तीव्र है, एक को पुण्य का उदय तीव्र है, ऐसी बात है भाई, गजब है पुण्य पाप का खेल। ये तो अपने परिणाम संभालने की बात है भैया, मनुष्य भव पाया, तत्व समझ ले, तत्व की रुचि लगे, इससे बढ़िया मनुष्य जन्म की उपलब्धि कोई दूसरी है नहीं। सम्यक दर्शन होना तो एक बहुत बिरली और अनुपम चीज है, उसका तो कहने क्या है, लेकिन 7 तत्व का, वस्तु की स्वतंत्रता का, आत्मा परमात्मा का, ये जीव दुखी क्यों है, सुखी कैसे हो गए, इन सब बातों का अगर उसको यथार्थ निर्णय जैन आगम से हो जावे और उसकी प्रतीति जगे, उसकी महिमा आवे, उसका रस लगे, समझ लो उसको चक्रवर्ती की संपदा एक तरफ है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जिसको तत्व का रस लग गया, तत्व समझ में आ गया, उसको तत्व चक्रवर्ती की संपदा उसके सामने फीकी पड़े, धूल जैसी भाषित हो, लिखा ना काग बीट सम गिनत है, हाँ? लेकिन मैं कहता हूँ तत्व रस मान लो आगे पीछे लगे, कभी भी लगे, लेकिन जीवन में शांति हो गए, संतोष हो गए, ये तो बिना तत्व वालों के भी हो जाता है, ये इतना होना तो चाहिए ना, है उससे कोई धर्म हो जाएगा कि मोक्ष मार्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन साधारण जो मानव प्रकृति है कि अन्याय नहीं करे, दूसरे का पैसा नहीं दबावे, 5 इंद्रिय के विषय भोग भी न्याय पूर्वक भोग भोगे, कोई बेईमानी नहीं करे, झूठ नहीं बोले, बोलो अब गवर्नमेंट करे क्या बिचारी, गवर्नमेंट के ऑफिसर, वो एक IPS पकड़ा गया ना तस्करी करते हुए, गजब है बताओ, जो जिस समझ लो बिल्ली कोई उसके चौकीदारी पे रखा काय के लिए, देखना कोई दूध नहीं पी जा रही, जिसको दूध की सुरक्षा सौंपी वो खुद ही दूध का भक्षण करने लगा, रक्षक ही भक्षक हो गया है सरकार, समझ लो कोई नेता या कोई भी मिनिस्टर, वो तो दौड़ेगा नहीं ना सब जगह है, लेकिन कायदे कानून अगर स्ट्रांगली ऐसे लागू किए जावे तो कंट्रोल थोड़ा तो हो सकता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे तुमको देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी,
तस्करी नहीं होवे इसकी जिम्मेदारी सौंपी, तो जो माल पकड़ा जावे उसमें से बच्चा लेवे और उसकी तस्करी करे। शर्म की बात समझ में आया, ऐसा मनुष्य जीवन कितना ले जाएगा आखिर साथ में। इसलिए मुझे वो वाक्य बहुत अच्छा लगता है, जितना है उतना भोग सकते नहीं और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है भैया। हाँ, उसको अपन कन्वर्ट करा लेना, जैसे अपन रुपया अमेरिका ले जा रहे हैं तो कोई काम का नहीं, 10,000 रुपए से ज्यादा ले भी नहीं जा सकते हैं। ले जावे तो 5,000 भी ले जावे तो वहां तो कागज का टुकड़ा है, वहां किस काम का। लेकिन बैंक में दे करके और वहां की करेंसी ले ले वे तो काम में आएगा ना है। ऐसे यहाँ पे देवगुरु धर्म की प्रभावना में जीवन बितावे, शास्त्र स्वाध्याय में, ज्ञान प्रचार में, जिनवाणी के प्रचार प्रसार में, विद्यालयों के संचालन, इसमें रुचि रखे तो कन्वर्ट हो जाए। नो कर्म साथ नहीं जाता, कर्म साथ में जाता है। अभी ये बात आई थी द्रोणगिरी में, पंडित साहब ने कहा सोचो क्या साथ में लाए, कुछ साथ लेके आए थे, सब बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं साहब कुछ नहीं लाए कुछ नहीं लाए। अरे कर्म लाएगा नहीं साथ में है? ये मनुष्य स्वभाव मिला तो बिना ही पुण्य कर्मों के उदय के मिला। ये जिनवाणी सुनने मिल रही है, ये जिन दर्शन मिल रहे हैं, समझ में आया, ये ठाट बाट है, ये निरोग शरीर है, ये जैन कुल है, ये कोई बिना पुण्य के मिला है क्या? तो पुण्य साथ में लाए थे। कर्म कारमान शरीर आता है ना साथ में, और क्या साथ में जाएगा? साथ में कुछ जाएगा? अरे नहीं साहब कुछ नहीं जाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा, कारमान शरीर ही जाएगा। स्वयं किए जो कर्म सुभाष, ऐसी दशा है भाई। तो नरकों में इतनी तीव्र भूख लगती है, यदि मिल जाए तो तीनों लोक का अनाज एक साथ खा जाए, तथापि छदा शांत न हो। ध्यान रखना भाई, गरीब लोग भूख से बिलखते हुए और अपन अनाज दबा करके रख ले हैं, ऐसी संयोग मिलने का कारण बनता है। तुझे भूख पसंद है ना, दूसरों को भूख से बिलखने में तुझे मजा आती है देखने में, तभी तेरे को भी ऐसी दशा भोगना पड़ेगी। उन नरकों में ये जीव ऐसे अपार दुख दीर्घ काल तक भोगता है, कम से कम 10,000 वर्ष, कम से कम 10,000 वर्ष कम से कम है ना। यहाँ तो अगर समझ लो 2 महीने ठंडी ज्यादा पड़ जाएगी, 2 महीने गर्मी, इस बार क्या हो गया, इस बार तो ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही, इस बार तो गर्मी बहुत पड़ रही है, कब तक पड़ेगी आखिर? 15 दिन में ही घबरा जावे। वहां तो कम से कम 10,000 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 33 सागरूपम काल तक भोगता है। फिर किसी शुभ कर्म के उदय से, ये किसी शुभ कर्म के उदय से, कौन सा शुभ कर्म भैया? मुझे कल ये बात आई थी, ये देखो जीवों के परिणामों की स्वतंत्र योग्यता, संयोग के अनुसार परिणाम होता है, ऐसा नहीं है, है? ये मनो नरक गति में ऐसी वेदना भोगने वाले जीव भी ऐसा पुण्य बांध लेते हैं कि वो मनुष्य गति उनको मिले। ये तो आया था ना भरत चक्रवर्ती के पुत्रों का, निरोध से निकल करके सीधे मनुष्य हुए और समझ लो भरत चक्रवर्ती के घर में पैदा हुए, समझ में आया? तो परिणाम पर स्वतंत्र है, इससे यही सिद्ध होता है। अब कौन सा उसको मंदिर मिला होगा, क्या उसने तत्व विचार किया होगा, कैसी कसाई की मंदता की होगी, आयु जिसको मनुष्य आयु में आना होगा ना, इस क्रमबद्ध में जिसके मनुष्य पर्याय नक्की है उसको परिणाम वैसा होगा, और मंद कसाय के परिणाम में आयु का बंध हो, समझ में आया? अब वेदना तो है ही, कोई कोई नारकी अपने आप को संबोधन भी करते हो, जो पात्र जीव है भैया अपन ने ऐसे कर्म किए थे, लेकिन इतना विचार करने की फुर्सत कैसे मिलती है? तो भी समझ में आया, ये तो एक सामान्य कथन है, नहीं तो मनुष्य आयु बंधे कैसे, ये सिद्धांत की बात है। मनुष्य गति में आते हैं तो मनुष्य आयु बंधती है तब आते, और मनुष्य आयु बंधती है तो वैसे भाव होते हैं, तो वैसे भाव के लिए उसको वैसा टाइम तो फुर्सत तो मिलती होगी ना थोड़ी बहुत। ऐसा है ना, मान लो अगर जैसे अपन कहें कि भाई अभी बंबई में दंगा हो गया, कि कलकत्ते में हो गया, कि दिल्ली में हो गया, इधर हो गया, अरे इस साल तो पूरा साल अपना मार काट में ही गया, पूरा साल आतंकवादियों ने बम कांड किया, पूरा साल तो नहीं किया ना,
365 दिन में 30 हुए तो भी उपचार से यही कहा जाएगा पूरे साल में। समझ में आया ना, है कथन शैली है ना ये, ऐसे ही समझ लो पूरा काल जो है नरक गति का है, मार काट में संकलेश परिणाम में अशुभ लेशिया में जाता है, ये एक सामान्य कथन है। उसमें ये बीच में ये भी शामिल है आगे की जो पर्याय उसको नेक्स्ट भाव बनने वाला है, अगर मनुष्य पर्याय में आने वाला है तो मनुष्य पर्याय के लायक शुभ भाव उसको हो जाता है। परिणामों की स्वतंत्रता है भाई, है समझने लायक बात है, वो द्रव्य के अधीन नहीं है, वो परिणाम होने वाला है तो द्रव्य उस रूप परिणमित हो जाता है। प्लानिंग करके नहीं होता होगा कि मेरे को तो मनुष्य गति में जाना है यहाँ से, तो अब मैं थोड़ा अच्छे स्वभाव करूं तो मैं मनुष्य गति में जा सकता हूँ, ऐसा कोई प्लानिंग से नहीं होता है, होने वाले के हो जाते जिसके मनुष्य आयु में आना हो, अपन ने क्या प्लानिंग की होगी है। और मनुष्य में भी आया तो कौन सा निहाल हो गया, चांस तो मिला, नरकों में चांस बहुत कम है। देखो चारों गति में संगी पंचेंद्री जीव को चांस है, काय का चांस है, तत्व विचार का, तत्व निर्णय का और सम्यक दर्शन प्रकट करने का, बराबर है, तो सिद्धांत की बात है ना। तो त्रेंच होवे के नारकी होवे के मनुष्य के देव होवे किसी में भी होवे तो भी त्रेंच और नरकों में चांस बहुत कम होते। कल किसी ने पूछा था कि नरकों में सम्यक दृष्टि ज्यादा कि मनुष्यों में सम्यक दृष्टि ज्यादा, तो नरकों में तो असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि होती, त्रेंचों में असंख्यात होते, और मनुष्यों की तो संख्या ही संख्यात है, 29 अंक प्रमाण कही जाती, तो मनुष्यों की तो संख्या ही लिमिटेड है, तो भी वहां चांस कम है। मेरे कहने का ये मतलब है संयोग की अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ जीव को चांस है, कम से कम बाह्य अनुकूलता है, बाह्य शांति है, तो ये सिद्धांत की बात नहीं है, बाह्य अनुकूलता होने से उसको मिल क्या गया। कमल जी परसों एक बहुत बढ़िया बात आई थी गुरुदेव के ट्रिप में कि सर्वास सिद्धि के देव 33 सागर तक तत्व चर्चा करते, समझ में आया, खाना पीना घूमना फिरना विषय भोग भोगना ये तो काम तो कुछ है नहीं, उधर विमान में बैठे रहते तत्व चर्चा करते हैं, इसी में ही काल जाता है उनका, तो भी उनका गुण स्थान नहीं बढ़ता, हाँ चौथे से पांचवा गुण स्थान नहीं होता, यानी वो उस जाति की मंद कसा है। और सर्वास सिद्धि जैसी आकुलता किसको, अनुकूलता, समझ में आया, भूख नहीं लगे प्यास नहीं लगे, अरे भूख प्यास लगे और भोजन मिले ये तो मनुष्य गतियों का हिसाब है, ये वहां तो भूख की वेदना ही नहीं हो गए, समझ में आया, दुखी होता होगा कि किसी डॉक्टर को दिखाएं कि भूख नहीं लगती है साहब, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, बड़ी तकलीफ है, क्या किया जावे, योगा किया जावे, ये किया जावे, वो ऐसा नहीं मानते हैं कि उस पर्याय की योग्यता वैसी, देव गति की योग्यता वैसी है कि बहुत लंबा काल उनका बिना आहार के ही जाता, और अपने यहां जैसा आहार तो होते नहीं, अमृत का आहार होता है, इतनी अनुकूलता, कहने का मतलब ये, इससे ज्यादा और अनुकूलता क्या होगी, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, कुछ विकल्प नहीं, कुछ न प्रवचन करना है न प्रवचन सुनना, आराम से बैठना है और जो उनका ज्ञान में आता होगा वो सब तत्व चर्चा वो सब करते होंगे, तो भी गुण स्थान नहीं बदलता है, है? मतलब वो मंद कसाए और अनुकूलता से धर्म हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं, बस निमित्त नैमित्तिक संबंध की प्रधानता से इतना कह सकते हैं कि भाई तुझे चांस मिला है। उपदेश जो है वो तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है ना, तो मनुष्य पर्याय में आया, ये मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिन वाणी, ए विधि गये न मिले सुमणि ज्यो उदधी समानी, भैया तुझे चांस मिला है तू पुरुषार्थ कर, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है। कोई नदी के तीव्र प्रवाह में अगर कोई बह रहा हो तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो जान ही जाना है समुद्र में, समझ में आया, तो ये असंगी पंचेंद्री तक ये नदी के तीव्र प्रवाह वाले हैं सब, विचार नहीं कर सकता, उसको मन नहीं है, उसको विवेक नहीं है, उसको समझ में आया ना, तो उसके हाथ में नहीं है कुछ भी, किसके, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री, मक्खी मच्छर टिड्डी बर्र इत्यादि कीड़ी, इनके हाथ में कुछ नहीं, लेकिन तेरे हाथ में है। उन्होंने लिखा है कि अगर नदी का प्रवाह मंद होवे और तू हाथ पैर चलाए तो तैर के पार हो सकता है,
तो अभी ये कोई कहेगा साहब हमारे तो बहुत तकलीफ है, हमारे समझ लो अभी शरीर में बहुत बीमारी है, व्यापार में घाटी, ये कोई तीव्र उदय नहीं है भैया, असंगी जैसा तीव्र उदय ये नहीं है, समझ में आया। संगी पंचेंद्रीय जीव को हरेक को इतना उदय मंद समझना, भले नरक में हो तो भी तत्व विचार के लिए सब जगह अनुकूलता है, है? करे तो बस संयोग थोड़ा उधर दुख में संयोग ज्यादा है। अरे तो जो समझदार लोग होते हैं वे तो प्रतिकूल संयोगों को भी अनुकूलता में बदल लेते। युगल जी ने लिखा है एक कविता में, अभिशापों में वरदानों के फूल खिला करते हैं। ऐसा है भाई, बहुत है विचार तो बहुत आते हैं। मेरा मतलब है कि अपन अपनी वर्तमान पर्याय के हिसाब से विचार करें तो इससे बढ़िया अवसर दूसरा कोई मिल सकता नहीं है हर एक जीव को। ऐसा नहीं कि देवलाली रहने वाले बंबई वाले को भी, बंबई वाले को भी, हर एक जीव को इससे बढ़िया अवसर दूसरा कोई मिल सकता नहीं है। और इसमें भी दो भाग है भाई, एक तो वो कि जिसको ये तत्व सुनने ही नहीं मिलता है, बस बाल में भक्ति में दया में दान में पूजा में पाठ में मंदिर बनाने में समाज सेवा करने में धर्म के नाम पर ये पर का कर्ता पने की बुद्धि का पोषण में ही चला जाता है, तो उसको भी चांस नहीं है। लेकिन जिसे मिला है उसे तो चांस है, अपने को किस श्रेणी में अपन रखें, समझ में आया। देखो मनुष्य गति में गर्भ निवास तथा प्रसव काल के दुख, मनुष्य गति की दशा भैया सब भोगी हुई अपनी देखी हुई जानी हुई। चौदवा छंद, जननी उदर वस्यो नव मास अंग सकुचते पायो त्रास निकसत जे दुख पाए घोर इनको कहत न आवे। मनुष्य गति में जितने भी दुख हैं बाहरी संयोग वाले, तीव्रतम दुख अगर है तो जन्म के समय का है, समझ में आया। तीव्रतम दुख ऐसा अनगार धर्मामृत में आया, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति वो तीर्थंकर प्रकृति है, और सर्वोत्कृष्ट दुख में अगर कोई है मनुष्य गति में तो वो माँ के गर्भ से बाहर निकलने का दुख, कैसी दशा होती जीव की, गजब है। मनुष्य गति में भी ये जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा, आदिनाथ भगवान की जो पुरानी पूजा है ना उसकी जयमाला में, तो राजस्थानी भाषा में है, राजस्थानी भाषा में उसमें तो कितना आता है, हैं? जठे निकसे ज्यो जंती में से तार हो काय मारी दीन तणी सुन वीनती श्री आदिश्वर महाराज हो, इस राजस्थानी स्टाइल अलग ही टाइप की है। हे भगवान, जैसे वो चारों गति के दुख का वर्णन है उसमें, चारों गति के दुखों का वर्णन है। प्रभु मैंने ऐसे ऐसे दुख सहे नाथ, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसा भाव है उसमें। माता के पेट में रहा, ऐसे माता मान लो उसको शौक हो गए मिर्ची मसाले वाला भोजन करने का, माता को तो शौक है मिर्च खाने का, वो मिर्च खावे और वो भोजन बालक को मिले, समझ में आया। अब उसकी क्या दशा हो, समझ में आया। एक तो माता के द्वारा भक्षण किया गया उससे उसका शरीर बनता है बालक का, कितना बढ़िया शरीर है, सोचो कैसे बना है ये सब, है बाहर निकला तो सब भूल गया। कभी कभी गुरुदेव के प्रवचनों में आता है जब अपन 6 महीने के थे कि नहीं पहले ये नक्की करो, ऐसे इतने बड़े हो गए देवों जैसे है, और 6 महीने की उम्र होगी तो कैसे समझ लो गंदगी करते होंगे, कैसे दूध पीते होंगे, कैसे माता नहलाती होगी, कैसे धुलाती होगी, कैसे सब व्यवस्था करती, तो याद करो उन दिनों को, तो थोड़ा बहुत होश आवे कि कौन थे और अब क्या हो गए और क्या होंगे अभी है। मैत्री शरण गुप्त ने लिखा है ऐसा, पूरा तीनों काल का वर्णन है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, मतलब छह डाला पढ़े। ये अर्थ हुआ इसका, आपने पढ़ी है मैत्री शरण गुप्त, हम लोग पढ़ते थे एमपी में थी हमारे कोर्स में, कौन थे क्या हो गए, ऐसे कहाँ थे, माता के गर्भ में थे वहां से निकले और कैसे कैसे तो दुख सहित निकले, और बालपने की बात तो नेक्स्ट छंद में आने वाली, तो अब भूल गए तो कोई दशा है नहीं,
वो दुख भोगे नहीं थे, वो मिट गए, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन क्या करें, सब ये जीव को जरा की अनुकूलता मिली और दुख भूल जाता है, ऐसे इसकी अज्ञानी की प्रकृति है। शरीर सिकोड़ कर रहने से दुख पाया, यहां तो एक कमरा चाहिए, बड़ा कमरा चाहिए, दो जन एक साथ नहीं रह सकते, तीन जन नहीं रह सकते, समझ में आया, ये घर छोटा पड़ता है, ये कमरा छोटा पड़ता है, भैया वहां कैसे रहा था तू, आखिर विचार तो करने जरा। सहज स्वीकार करने थी, ज्ञानी की अथवा आत्मार्थी की वृत्ति भी ऐसी हो जाती है, जो संयोग मिला तो सहज स्वीकार, ज्यादा खेचतान नहीं करना। ये साधु वृत्ति, गृहस्थों में भी साधु वृत्ति, साधुओं के लिए लिखा ना टोडरमल जी ने, खेचतान नहीं करते बाह्य क्रिया में, और अपने उपयोग को बहुत नहीं भरमाते, क्राइटेरिया लिमिटेड रखते, समझ में आया। ऐसे आत्मार्थी गृहस्थ को भी फालतू जो है अपने, जिससे कोई लेना देना नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, ये सब विकथाएं हैं, एक तो इसमें उपयोग बहुत बर्बाद होता है, और दूसरे समझ लो नाना प्रकार के ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों में इनमें उपयोग चला जाता है। संयोगों में फेरफार करने की बुद्धि में जाल, कभी मकान छोटा पड़ता है, अभी बड़ा बनवाना है, कमरा बदलवाना है, टाइल्स ठीक नहीं है, ऐसा कहां तू पड़ गया भाई, निकलना है इसमें से, रहना है अनंत काल तक, ये ईंट पत्थर के मकान में अनंत काल तक रहना है क्या। गुरुदेव के प्रवचनों में आता है ना, वो पूनमचंद जोबालिया का मकान में गए थे, वहां देखा था, एक 60 लाख का बंगला था, एक 40 लाख का बंगला था, एक किसी और का नाम आया था कुछ दिन पहले, इटली से पत्थर मंगाया, ऐसा बनाया ऐसा, अरे प्रभु इसमें से निकलना कठिन पड़ेगा, ज्यादा ममता, इतनी मेहनत, मैंने लगन से एक एक ईंट खड़े होकर के बनाई, तो मनुष्य भाव का कितना कीमती समय इसमें बर्बाद हो गया, इसका विचार किया कभी। असल में दिक्कत यह है कि जब होश आता है, होश आता है माने जब समझ आती है कि नहीं हमें कुछ अपने आत्महित के लिए करना चाहिए, तब इसके हाथ में कुछ रहता नहीं, लकवा लग जावे, एक्सीडेंट हो जावे, टांग टूट जावे, बीमारी आ जावे, चल फिर नहीं सके, इंद्रियां शिथिल हो जावे, आंखों में से नहीं दिखे, कानों में नहीं सुना पड़ता। जब इंद्रियां काम करती थी तो धर्म समझा नहीं, समझ में आया, तब तो मेरे हमको कुछ नहीं हो सकता, ऐसे अभिमान में फूलता था, और कुदरत तो अपना रंग दिखाती ही है ना, बुढ़ापे में भले पूर्ण स्वस्थ हो गए तो भी इंद्रियां तो शिथिल होंगी होंगी हैं, गर्दन तो हिलेगी हिलेगी, घुटने तो दिखेगी दिखेंगे, आंखें तो कमजोर होंगी होंगी। ये वृद्धावस्था किसकी सुख में हुई है जीवन में, जब वो टाइम आ जाता है तब जीव को आत्म कल्याण का विचार भी आवे तो भी उसके हाथ में अब कुछ नहीं रहता। ये तो रजकण तारा रखड़ से है, जेम रखड़ थी रेत, पछी नर भव पामीस क्या, चेत चेत नर चेत, ऐसा हो जाता है। देखो निकसत जे दुख पाए घोर, विचार करना भाई है इस अवस्था का, विचार करना ऐसा लगे जैसे माँ का भी पुनर्जन्म होता है, उसमें बालक का जन्म देवे ना तो कह रहे समझ लो स्त्री का दूसरा जन्म हुआ ही, इतना खतरनाक। अभी तो टेक्निक बहुत डेवलप हो गई है, साधन उतने बढ़ गए हैं, लेकिन पहले तो समझ लो, इसलिए पहले पुत्र जन्मोत्सव में खुशियां इतनी ज्यादा इसलिए मनाई जाती थी कि दोनों स्वस्थ हैं, अच्छे से हो गया सर, तो 10 हो गए तो 3 बचे, समझे, होते ही मर जा रहे, पेट में मर जा रहे, जन्म से मर जा रहे, जन्म से ही पीलिया हो जाए, बोलो ऐसी ऐसी बीमारी जन्म। हमारे जबलपुर का केस बना था, हम थे उस समय अमेरिका में थे, इसी साल की बात है, मैं बहुत परिचित हूँ घर के, वो भाई डेली स्वाध्याय करते वहां मंदिर में, व्याख्यान करते, उनकी बेटी का प्रकरण बना था, युगल युगल पुत्र थे हैं, लेकिन बची नहीं, लड़की बची नहीं, फिर एक बच्चा बचा और एक बच्चा मर गया और माँ मर गई, गजब बात। जबलपुर बहुत हम लोगों का मूड रहा, अमेरिका में थे तो बात होती रहती थी, तो समाचार मिला तो ऐसा लगा दिन भर ये भगवान क्या करें। कैसा जीवन क्षण भंग, माता पिता के घर में आई थी डिलीवरी के लिए, वहां रखा था, समझ में आया, लेकिन अब होनहार जो हो इतनी आयु लेकर के आई, कितने धूमधाम, पहला केस था डिलीवरी,
लड़का चंडीगढ़ में था, 80,000 रुपये महीना मिलता, क्या करे 80,000 का है, 80,000 मिलता है, लाख मिलता है, 1.25 लाख, 1.5 लाख मिलता, गिनते ही रहे और चेक जमा करते रहे। अभी वो ही नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना है, आप तो 18 घंटा उनकी मजदूरी करो बस। साकेत को कितने घंटे लगते, उसका तो खुद का है ना काम, वो तो दूसरों को लगाता है वो तो दूसरों को लगाने वाला है, ऐसा है भैया। अरे मनुष्य भाव की कीमत नहीं करता ये जीव भाई, गुरुदेव के प्रवचनों में कितना वैराग, खबर नहीं मिले वाणिया ने, वक्त नहीं मिले, अब यही दशा हो गई ना, वाणिया ने वक्त नहीं मिले, यही दशा हो गई सब नौकरी पेशा वालों में, साधारण नौकरी नहीं रही अब वैसे, अब बच्चे भी क्या करें बेचारे, समझ में आया, वो सोचो कि हम मान लो 9:30-10 बजे जैसे गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं, वैसे पहले बैंक की नौकरी बड़ी अच्छी, हाथ पैर सब साफ, कोई हाथ मैले नहीं, पैर मैले नहीं, अपना जो लिखा पढ़ी की और अपने आगे 8 घंटे ड्यूटी की, बाकी टाइम अपना स्वाध्याय ये पूजन। अब वैसी नौकरी है, वो बैंक में भी 8 घंटे लगेगा, उसमें भी 10-12 घंटे लगेगा, बैंक में ही प्रॉब्लम सब जगह, मतलब कैसा आप देखिए, जो आर्थिक विकास है पूर्णतया मनुष्य भव के विनाश का ही स्वरूप है, पूरा का पूरा है। खूब कमाओ और जब ज्यादा हो गया तो किसी भाई का फोन आ जाएगा, 10-20-50 लाख वो झटक लेगा, तुम्हारे बेटे को ले जाएगा, तुम्हारी बीवी को ले जाएगा, जिंदगी भर की कमाई एक झटके में चली जाती, समझ में आया। या तो बीमारी आ जावे तो बीमारी में ले जावे, उससे बचे, मान लो मेडिक्लेम हो गए, ये हो गए, वो हो गए, उससे बचे भी अगर, तो ये सब दुनिया में लुटेरे बैठे हुए ना आधुनिक तरीके से लूटने वाले, क्या क्या है उसकी, ये तो नेक्स्ट छंद का भी भाव इसमें आ गया ज्यादा सब। निकसत जे दुख पाए घोर, अभी तो मूल बात इतनी है, तिनको कहत न आवे ओर, ओर माने अंत, समझ में आया, अंत नहीं आ सकता है। बाबा मनुष्य गति में भी ये जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा, कैसे तो रहा होगा है, बिल्कुल बेहोश जैसे कोमा में रहता ना, वैसे रहता, कोई चेतना का इतना विकास तो होता नहीं, वो सोच विचार धीरे धीरे सब डेवलप होती है, पर्याप्तियां है, समझ में आया। लेकिन वो कैसी, लेकिन जीव है, आत्मा है और संयोग है, संयोग का लक्ष्य है, तो दुख तो होगा ही था होगा। एक तीर्थंकर का जीव ऐसा होता है, वो तो माँ के गर्भ में आवे तो माँ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पेट नहीं बढ़े, जैसे रत्न मंजूषा में रत्न रखा रहे सुरक्षित निर्मल, ऐसे बालक वहां डेवलप होता है। लेकिन कुदरत की व्यवस्था यह है कि तीर्थंकर को भी आना पड़ता है उसी सिस्टम से, समझ में आया, उनके भी गर्भावतरण, फिर वो 6 पर्याप्तियां उनकी भी पूर्ण होंगी, शरीर विकसित होगा, मलिनता नहीं होती, पवित्र गर्भालय कहलाते, गर्भ ये भगवान की बेदी को जहां रखते उसको गर्भालय कह लेते, आपके यहाँ गभारा कहते ना, गभारा वास्तव में वो गर्भालय का ही दूसरा रूप है, क्या बोलते हैं उसको, अपभ्रंश रूप, गर्भालय का गभारा, गभारा बोलते, समझ में आया। यानी वो स्थान गर्भगृह, कहीं कहीं तो गर्भगृह लिखा रहता है, गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, मंदिर के धोती दुपट्टे पहन करके ही उसमें जावे, बाकी ऐसे कपड़े रोजाना के कपड़े पहन करके उसमें नहीं जावे, ऐसा लिखा रहती सूचना पुराने जगह मंदिरों में, अभी भी लिखी रहती सब है। तो जहाँ भगवान की प्रतिमा विराजमान है वो गर्भालय कहलाए, साक्षात भगवान विराजमान है माता के उदर में तो वो भी पवित्र जिनालय जैसा कहा जाता है, समझ में आया। ये तो महापुण्यशाली अंतिम जन्म वाले की बात है, ये तो अंतिम जन्म वाले की कथा है, ये तो है यहाँ तो अभी जन्म मरण का पार नहीं है, कितने जन्म मरण होने वाले हैं। देखो मनुष्य गति में भी ये जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा, वहां शरीर को सिकोड़ कर रहने से तीव्र वेदना सहन की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो माता के पेट से निकलते समय माता का अथवा पुत्र का दोनों का मरण भी हो जाता, अरे अंदर गर्भ में ही हो जावे, अरे नहीं होवे मान लो कुदरती नहीं होवे, दुर्भाग्य से नहीं होवे तो मारने वाले मार दिए हैं कन्याओं को मार दिए, इसे पंचम काल में पाप की तीव्रता बहुत,
अभी 15वां छंद है, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, तीन है। अंतरदेशी लिफाफा होता है ना, जैसे पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़ और फिर पोस्ट हो जाएगा। ऐसा पहला मोड़ बाल्यावस्था मुख्यतया है, दूसरा मोड़ युवावस्था, तीसरा मोड़ वृद्धावस्था। कोई कोई को तो तीसरा मोड़ आवे ही नहीं, जवानी में चला जाओ। चले गए ना पंकज भाई, 40 साल की उम्र कौन सी बड़ी उम्र कहलाती है। ये तो अपने को सोचनी दशा हो जाती है कि कैसा जीवन क्षण भंगुर है। भाईंदर के एक भाई थे, कल उनकी डेथ, भाईंदर में थे। हाँ, भाईंदर वाले पंकज भाई, हाँ पंडित थे। कली समाचार आया वो तो अजीब, तो आराधना करने वाला को तो कोई परवाह नहीं, समझ में आया। लेकिन जिसके साथ में 24 घंटे रहते थे, मिलते थे, स्वाध्याय सुनते थे और फिर उसकी ऐसी दशा हो जाए, फिर उसको संबोधन करें, फिर आंखों में बहुत दिनों तक वही दिखता है। मन देखो, बुद्धि और मन का कैसा स्वरूप है, समझते हैं कि वो जीव चला गया और अच्छी गति में ही गया होगा, ऐसा समझते सब हैं, अपन भी समझते हैं, लेकिन तो भी मन नहीं मानता है। ऐसा लगता है यार कैसे चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कि आ तो नहीं जाए दोबारा। ऐसा लगता है शायद ना गया हो, कुछ गड़बड़ हो गया हो, ये हो गया हो। लेकिन भाई जो है सो है, वस्तु का स्वरूप। रामचंद्र जी जैसे को 6 महीने तक भरोसा नहीं हुआ कि लक्ष्मण का जीव चला गया है। ऐसी दशा है मोह की। देखो 15वां छंद, बालपने में ज्ञान न लयो, करुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, ऐसे रूप लखे आपनो। बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बाल संस्कृत में अज्ञानी के लिए बाल शब्द ही आता, बाल शब्द कोई अज्ञान, उसका अर्थ ही अज्ञानी होता है। अज्ञानी माने जिससे उचित अनुचित का विवेक नहीं, इसलिए तो माँ बाप उसको गाइड करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मंदिर में ये काम नहीं करना, मंदिर में हल्ला नहीं करना, भगवान की नाम लेना, जय बोलना, ये करना, छोटी छोटी बात जो है ना बच्चों को सिखाते, क्योंकि बाल है ना, बाल माने अज्ञानी, उसको हित अहित का विवेक नहीं है। अब बड़े को भी नहीं होवे तो क्या करें, वो भी बाल बुद्धि है, है? जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, है? तो सब जगह बाल माने अज्ञानी होता है, ऐसा नहीं। तो पंच बाल यति के बारे में कहा जाता है, वो तो बाल अवस्था से ही यति पना जिनके था, ये अर्थ में है। सब जगह बाल उम्र के हिसाब से भी कहा जाता है, बुद्धि के हिसाब से भी कहा जाता है, जहाँ जहाँ जे जे योग्य थे, बाल ब्रह्मचारी, तो मतलब मूर्ख ब्रह्मचारी है, है? बाल ब्रह्मचारी का क्या अर्थ है, बाल अवस्था से ही जिसके ब्रह्मचर्य का परिणाम था, ऐसा पॉजिटिव लेना चाहिए। कोई शब्दों का ऐसा तोड़ मरोड़ करना ठीक नहीं है, है? मुझे बहुत विकल्प आता है, कभी कभी ये बात आती है ना तो मुझे ऐसा लगता है खुलासा होना चाहिए उसका। वो तो समझ लो, वो तो अपने को उस चीज का ध्यान नहीं है, इसलिए ध्यान दिलाने के लिए कहते। हाँ, बाल मुनि ने मुनियों की अवस्था बालक वत निर्दोष यथा जात रूप धर, समझ में आया, बच्चे मन के सच्चे हैं। ये तो उनके विकार जो है ना व्यक्त नहीं होते। मैं सही कहता हूँ, थोड़ा आपको हंसी भी आ सकती है, मुझे पता नहीं मैंने झूठ बोलना कब से सीखा, ये मुझे याद है। झूठ बोलना क्या चीज होती है ये मुझे कैसे पता चला, कि अड़ोस पड़ोस में कोई घटना घटी होगी तो पूछा, वो मैंने सच सच बता दिया, तो हमारी ताई जी थी, हमारी माँ की जेठानी, उनने उसको कहा कि नहीं ये लड़का कभी झूठ नहीं बोलता, तो मुझे पता चला कि कोई झूठ भी चीज होती है, वो बोली भी जा सकती है। समझ में आया ना, ऐसा मतलब जब तक बाल अवस्था है तो क्या चीज छुपाना, क्या कहना क्या नहीं कहना, ऐसी मायाचारी भी नहीं होती, सरलता से सब कह देवे। बालपने में ज्ञान न लयो, यहाँ ज्ञान न लयो का तो मतलब ये है कि 8 वर्ष की उम्र के पहले तक आत्मज्ञान की योग्यता मनुष्य पर्याय में नहीं होती,
एक अर्थ तो इसका ये भी है, बाकी अपने छोटी छोटी चीजें सीख, अरे चलना सीखना पड़ता है, उंगली पकड़ के चलना सीखना पड़ता है, हर चीज तो सीखनी पड़ती, भाषा सीखनी पड़ती है, चलना बोलना सीखना पड़ता है, कपड़े पहनना सीखना पड़ता है, समझ में आया, सभ्यता सीखनी पड़ती है, कितना ट्रेंड करना पड़ता है। जानवर के बच्चे बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं, आदमी के इतने जल्दी ट्रेंड नहीं होते है? और युवावस्था में तब तो क्या है, युवती स्त्री में, तरुणी में, तरुणी तो एक प्रतीक मात्र है, पांच इंद्रियों के विषय भोगों में, समझ में आया, उसमें लीन रहा। और अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, वृद्धावस्था में अधमरा जैसा रहा, हो गया शिथिल, हो गया कुछ भी काम नहीं आता। अधिकांश जीव तो बहुत जल्दी, कोई ऐसा पुरुषार्थी हो गए, भाग्यशाली हो गए, पुरुषार्थ तो क्या करे उसमें, कि लंबी उम्र तक भी बिल्कुल चलता फिरता जीवंत जागता सक्रिय रहे, समझ में आया, भाग दौड़ ना कर सके लेकिन अपना काम कर सके, खुद नहा सके, एक बाल्टी पानी भर सके, ले सके दवाई, ले सके किसी से कहने, देखो चंदू भाई आए थे ना, डॉक्टर चंदू भाई आए थे 98 ईयर्स, डॉक्टर चंदू भाई राजकोट वाले अभी आज 3 दिन बैठे गए, 98 वर्ष की उम्र और बिल्कुल अभी भी, अभी 1 साल 2 साल पहले तक खुद ड्राइविंग करके मंदिर जाते, अभी भी जाते, खुद ड्राइविंग करके मंदिर जाते हैं अभी तक। सुबह जाना था उनको 8 बजे, 7 बजे घर पे आ गए, बोले आपने जो लेख दिया था उसमें मुझे ये कहना है, तो चलते चलते पैदल चल के घर पर आ गए, इतना स्ट्रांग गुरुदेव का बहुत समागम, गुरुदेव की उनके ऊपर बड़ी कृपा है, बहुत मन की बात पूछ लेते थे, है सबके मन की, अपने मन की भी पूछ लेते थे, श्रोताओं के मन की भी पूछ लेते थे, सवाल बोल दे। वृद्धावस्था अधिकांश तो जीव को होश ही नहीं रहे बूढ़ेपने में, अंत क्या निकला, कैसे रूप लखे आपनो, ये कहना है इसमें, मनुष्य पर्याय की ये हालत है तो अपना स्वभाव चैतन्य ज्ञान आनंद अशरीरी स्वभाव जो है देह से भिन्न चैतन्य मात्र, उसको कैसे देखे कैसे पहचाने, तीनों अवस्थाओं में कोई चांस दिखता नहीं है, जिसको है उसके लिए सब अवस्था में चांस है, लेकिन प्राय अधिकांश जीवों की तो ये दशा होती, यूं मनुष्य पर्याय पूरी हो जाती है। भावार्थ, मनुष्य गति में भी ये जीव बाल अवस्था में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, अज्ञान आजीव का के लिए सारा जीवन गंवाया, 25-25 साल 30-30 साल पढ़ाई में चले जाते, यौवनावस्था में तो ज्ञान तो प्राप्त किया, विषय भोग का है, पैसे कमाने का, पाप का ज्ञान प्राप्त किया, खोटा ज्ञान है, कुमति ज्ञान है, किंतु स्त्री के मुंह में भूला रहा है, मान लो पाठशाला में पढ़ा हो, माँ बाप ने सिखाया हो, तो अभी जवानी में किसको फिक्र है कि ये चीज पढ़े, सुने साहब टाइम नहीं है, टाइम नहीं, कोई बात नहीं भैया, टाइम तुम्हारा निकल जाएगा तब तुमको टाइम निकालना मुश्किल पड़ेगा है? और वृद्धावस्था में इंद्रियों की शक्ति कम हो गई अथवा मरण पर्यंत पहुंचे, ऐसा रोग लग गया कि जिससे अधमरा जैसा पड़ा रहा, वर्षों लोग कामों में पड़े रहते, वर्षों कामों में पड़े रहते, इस प्रकार ये जीव तीनों अवस्थाओं में आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं कर सके, ऐसा अपने लिए बहुत बड़ी वार्निंग है, चेतावनी है, अपना बड़ा भाग्य है, समझ लो अपन इसमें से बच सकते हैं, यहाँ तो समझ लो हर उम्र के लोग हैं, यहाँ तो बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, समझ में आया, वसंत भाई जैसे लोग भी हैं, है? सभी प्रकार के है ना, इसलिए अपने को तत्व विचार में अपना उपयोग ज्यादा से ज्यादा लगे ऐसा प्रयास करना, ये तो सामान्य कथन है, तो ऐसा जान करके मनुष्य बहु की दुर्लभता समझना और दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, ऐसा जो वितराग परमेश्वर का कहा हुआ तत्व ज्ञान है उसकी आराधना में अपना जीवन बीते, बस इतनी बात। बाकी देवगति संबंधी चर्चा और आगे जो इसमें 6 डाला का सार, पहली डाल का और अन्य चीजें बताई हूँ उसकी चर्चा करें।